सिंगिंग करियर ने शुरू किया। मैं बाथरूम सिंगर था बेसिकली। मेरा कमाल भाई बोलते थे जब मैं ऑफिस में गाता था तो कहा होता है वो अच्छा आप गाते हो। जब मेरा अवार्ड शो होता है तो मैं कुछ ना कुछ गुनगुनाता था। तो एक दिन अजा साहब आए मेरे ऑफिस में तो मैं ऐसे एक गाना मैं गा रहा था। तो बोला तुमको है तुम कर सकते हो अगर तुमको सही ढंग से अगर तुमको सिखाया जाए तुम कर सकते हो। तो ये मेरा करियर नहीं है। मेरा करियर तो मैं मेरा ऑर्गेनाइज़र लोग मुझे किंग मेकर बोलता है अवार्ड शो का। मैं 25 अवार्ड शो करता था साल का तो मुझे किंग मेकर बोलता है। मेरा करियर दुबई में बहुत बड़ा झंडा गढ़ना है और बहुत कुछ करना है दुबई में। और अवार्ड शो करना है मुझे, गरीबों के लिए कुछ करना है, इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है। और हाँ मैं एज ए एक्टर मुझे बहुत सारे फिल्म में काम कर चुका हूँ। एज ए कॉमेडियन मेरी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट साइन किया मैंने। अजय भाई मुझे साइन कर रहे हैं एज ए एक्टर। हाँ एज ए सिंगर मेरा मन बोलते हैं मैं जो भी गाना गाएंगे आने वाले कल इतना मैं बोल देता हूँ फर्स्ट टाइम किसी का भी मैं गाना गाएंगे मुझे बुलाएंगे मैं एक रुपये से लूँगा। मैं पहला सिंगर अगर अजाज अहमद साहब अगर मुझे बना रहा है मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ कोई भी मुझे बुलाएंगे सिर्फ एक रुपये में लेंगे आपसे। वो एक रुपये मेरे लिए 1 करोड़ रुपये होगा। मैं आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ चाहे मैं मतलब जो मुझे फर्स्ट बुलाएंगे गाना गाने के लिए सिर्फ मेरे लिए 1 रुपया मुझे चाहिए। सेकंड गाना गवाओगे तो भाई वो जो भी देना ले लेना लेकिन मेरा फर्स्ट गाने के लिए मुझे सिर्फ 1 रुपये चाहिए। वो 1 रुपया मेरी अजाज साहब जो मुझे सिंगर बना रहा है वो 1 रुपया हमारे लिए 1 करोड़ रुपया है। क्योंकि जो इंसान मुझे गाना गवाएंगे उनके प्रोजेक्ट में तो वो उनका मैं प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगा। मेरे बाजू में सोमी जी है बिग बॉस के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं और साथ में एक्ट्रेस है मॉडल है। 28 जो हमारा 20 अक्टूबर को जो सबसे बड़ा अवार्ड शो मैं कर रहा हूँ दुबई में और जहाँ पर काफ़ी सारे स्टार जा रहा है कम से कम 40 स्टार जा रहा है। आजाद अहमद साहब भी जा रहे हैं तो मैं सभी को नमन करता हूँ जो आप टाइम निकल के आए यहाँ पर और 28 को मेरे साथ में है। धमाल मचा रहा हूँ। अगर सभी जी बोलेंगे कि गाना करेंगे तो इनको लेंगे मैं लीड में। और बहुत अच्छी मेरे दोस्त है हम लोग मिलके बस कुछ ही दिन हुआ है 4-5 महीना हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छी है। और अजा साहब बाकी बोलेंगे बाकी मेरे अपोजिट में द वेरी गुड सिंगर पूनम बहुत ही अच्छी सिंगर है बहुत अच्छे इनके अंदाज़ है बहुत अच्छे उन्होंने गाना गाए हैं। तो मैं तो इनकी तरह नहीं हूँ मैं फर्स्ट टाइम मैं फेस किया हूँ। नर्वस तो नहीं हूँ लेकिन क्या होता है ना थोड़ा सा वो होता है मैं कैसे वो कैसे मतलब मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ गाना गाने गाना को जिस टेम्पो में गाना गाना चाहिए मैं जल्दी भाग रहा हूँ लेकिन मेरे रिकॉर्डिंग साहब और अजाज साहब करवा रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर ऑल मीडिया आप आए और थैंक यू माय कमाल भाई भाई कमाल खान थैंक यू फॉर ऑल मीडिया थैंक यू हैदर भाई टिंकू भाई ऑल जितने भी सब मीडिया है सभी को मैं नमन करता हूँ। पुष्कर जी हुआ सब प्रभात जी हुआ हाँ जो पूछ रहा है प्रभात जी भाई ज्ञान केंद्र भाई फिल्म ज्ञान केंद्र है। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे 1 रुपये चाहिए जो भी पहला मुझे गाना गवाएंगे। 28 अक्टूबर को हम धमाल कर रहे हैं दुबई में। मेरा 3 अवार्ड शो हो रहा है एक फैशन शो हो रहा है जो मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ देश के कल्चर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फैशन शो में। और 28 स्टेट को और हमारे 7 यूनियन टेरिटरी को 35 स्टेट को देश के कल्चर को टूरिज्म का मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूए का 7 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड एक फैशन शो यूए एंड इंडिया दोनों के कल्चर एक साथ एक फैशन शो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ वो हो रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है 28 को। इसके अलावा हमारा 3 अवार्ड शो है द DPIA भारत गौरव आइकॉन अवार्ड जो भारत से जो गौरवशाली आइकॉन लोग हैं दुबई में उनको हम सम्मान कर रहे हैं। एंड दूसरा अवार्ड है हमारा जो यूए एंड भारत एक्सीलेंसी अवार्ड इंटरनेशनल जहाँ पे 40 स्टार जा रहा है यहाँ से जिसमें स्वामी है 40 स्टार जा रहा है मतलब 40 स्टार को माल है 28 को बेमिसाल है। सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए बाकी थैंक यू ऑल। एंड अंकिता जाना ऑल माई माई DPIA टीम मेम्बर माई अध्यक्ष गौरव शाह अंकिता जाना गौरव अपना कमाल बाकी आप सभी को पूछिए क्योंकि मेरा मेहमान आज ये है। मैं अभी अंदर थी स्टूडियो में और उनका गाना सुन रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत एक्साइटेड है मैं अपने पहले गाने को लेके और
जी के ऑफिस में बैठा हुआ था, अपने कुछ काम से गया था, तो ये गुनगुना रहा था बाथरूम में। तो आई थॉट कि यार मुझे कमाल है, कुछ गाना रिकॉर्ड कराना था, डब करना था, जिसको मैं शूट करना चाहता था। तो मैंने कल्याण जी को कहा कि यार कल्याण जी मेरे म्यूजिक वीडियो में गाओगे? फिर ये कहने लगा कि सर आप मजाक कर रहे हो मेरी। मैंने मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और इस तरह से मजाक मजाक में सच में एक बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो बन गया है। आज हम कृष्णा स्टूडियो में मेरे साथ पूनम है, पूनम की वॉइस को डब किया है और कल्याण जी की वॉइस को डब किया है और बहुत अच्छा गा रहे हैं वो। और आई होप कि इस तरह से आप उनको एज एन एक्टर जानते हैं, एज एन ऑर्गेनाइजर जानते हैं, उसी तरह से आज बहुत जल्दी दुनिया के लोग, इंडिया वाले इनको एज अ सिंगर भी जाने लगे। एक रुपया देना पड़ेगा जो भी है। मैंने देखिए इसमें दुबई में मेरा शूट है, अगर शोमी जी बोलेंगे कल्याण जी यस मैं करेंगे तो शोमी यार मेरे तो मैं तो खुद एक्साइट हूँ यार, मैं तो खुद शोमी मेरे साथ काम करे, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी मॉडल्स है, बिग बॉस में आई है, और मुझे तो अच्छा लगेगा भाई भाई शोमी मेरे साथ करे, क्योंकि बेसिकली इस गाने का वीडियो हम दुबई में कर रहे हैं, तो शोमी आ रही है दुबई, तो मैं तो वेलकम करेंगे शोमी का आप इसमें करे इस गाने में, क्योंकि ये गाना बहुत हिट होने वाला है, क्योंकि इसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं दादा, आपने बहुत अच्छा इन्हें बनाना है। मैं एम श्योर गाना बहुत अच्छा है, मैंने वो सुना है और आप गा भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। तेरी आंखों का अंदाज कहता है ये लड़की तो तुझ पे है मरता है, ये लड़का तो तुझ पे है मरता है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा। मैडम भी थोड़ा सा एक लाइन सुनाएंगे, और आली साहब आज नहीं आए, उनके सुपुत्र आए हैं, तो वो भी आपके सामने आएंगे। अली खान साहब मेरे बहुत अच्छे, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा पहला फिल्म में इन्होंने जो दिया उनके हाथ में, फैज भाई के पापा जी हैं, अली खान साहब हैं और फैज भाई यहाँ पर आए हैं। तो अली खान साहब जो मैं बोल दूँ, मैं पहला फिल्म इसी ऐसे ही मस्ती में मैंने पहला फिल्म शुरू कर दिया था, ढूंढ लेंगे मंजिलम, जिसकी रिलीज उन्होंने किया था, मतलब कौन सा किया था आपने, ऑलराइट्स ओवरसीज सर ने किया था। तो ऐसे ही मैंने मस्ती में फिल्म को शुरू कर दिया, तो काफ़ी लोगों ने बोला मैं पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई नहीं लगा, तो मैंने अपने खुद के पैसे से अपनी फिल्म को रिलीज़ किया और बनाया मैंने, जिसमें रजा मुराद साहब थे, अली खान साहब थे, बीरबल थे साहब, अभी बीरबल साहब अभी नहीं रहे हमारे बीच, और काफ़ी सारे स्टार अली खान साहब थे और काफ़ी सारे और भी स्टार थे। तो अली खान साहब ने बोला कल्याण जी मैं सिर्फ मैं जो भी देंगे मैं ले लेंगे। तो अली खान साहब आज कुछ काम में है, बिजी है, लेकिन आज़ाद अहमद साहब, फयाज जी है हमारे पास साथ, फयाज जी यहाँ पर है। हाँ यस 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 आप थे, और मेरे बीच में डी एन तिवारी साहब आए हैं। और मैं आपको बोल दूँ सभी मीडिया को, आदिल भाई जो फाइट कर रहे हैं, मैं आपको बोल दूँ आदिल भाई अभी चौकी में है, आई एम वेरी सॉरी मैं उनके साथ अभी नहीं खड़ा हूँ, मैं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसी वक्त मेरा भी गाना रिकॉर्डिंग था, मेरा भी मैं पहले से ही मैंने बोला था जो आज मेरा गाना रिकॉर्डिंग है, तो मैं आदिल के साथ हूँ, आदिल मेरे साथ आ रहे हैं 28 को दुबई, और आदिल के साथ मैं जिंदगी भर रहेगा,
और ये जो फाइट सिर्फ आदिल का नहीं है, मेरा भी है, क्योंकि राखी सावंत मेरे भी बहुत सारे चीज़ उसने बोला है मेरे बारे में, बहुत सारे मीडिया को गंदा गंदा बोला है, और जिस तरीके से उसने दुबई में किया मेरे साथ में, तो मैं ये जो फाइट है ये फाइट सिर्फ आदिल का नहीं है, ये फाइट कल्याण जी का भी है। तो मैं आज मीडिया को इतना बोलती हूँ, जो मैं आदिल चौकी में है, मैं एक गाना ख़त्म करके मैं खुद चौकी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी एक ही टाइम पे दोनों आ गया, उनके एफर कर रहे राखी के ऊपर, तो वो भी चल रहा है वहाँ पर, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो मैं आदिल के साथ हूँ, आदिल मेरे साथ है दुबई में 28 को, और महादेव की दुआ से उनको एक मेरा भाई है, और ज़िंदगी भर आदिल मेरे साथ है। अभी सरिन चोपड़ा भी आ रही है मेरी बहन, तो बस खाली इतना ही बोलना है मीडिया को, आदिल मेरे साथ है, आदिल के साथ मैं हूँ। उन्होंने बोला मैं विकेट गिरा रहा हूँ, राखी ने बोला ये विकेट बहुत पक्का विकेट है, एक उसको गिरा नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, ये विकेट पक्का है। एंड थैंक यू सो मच मीडिया आने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, हर वक्त मुझे प्यार देते हो, बस आशीर्वाद करो ये गाना अच्छा हो जाए, अच्छा चले, अच्छा शूट हो जाए दुबई में, और 28 को जो मेरा शो है दुबई में वो अच्छा चले, अच्छा हो, क्योंकि मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। एजाज अहमद साहब है, टिंकू है, हैदर है, हाँ यस, मैं हैदर को इस बार मैं अवार्ड दे रहा हूँ, और टिंकू को मैं इस बार अवार्ड दे रहा हूँ बॉलीवुड की बातें, और टिंकू इस बार पिछली बार भी गया था टिंकू, टिंकू तो इस बार भी टिंकू जा रहे हैं, और मानव जी है, और सॉरी हाँ बिरल भैया नहीं, मानव, काफ़ी सारे और भी हैं, तो हाँ सॉरी पुष्कर भी है, नहीं जो वादा किया मैंने वो तो पूरा करना ही पड़ेगा, पवन ने तो शमी और भी बोलना है, शमी समी के लिए, समी के लिए कुछ बोल, मैं एक्साइटेड हूँ 28 अक्टूबर का जो अवार्ड शो होने वाला है।